आप सभी आज इस पावन मेला पर उपस्थित हुए हैं इस मनोहर मनोरंजक कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले आप लोग अपनी सावधानी का सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि सावधानी ही सबसे अच्छी कड़ी नियम है। आप लोग माताएं पहने इस पांडाल में पावन पर्व माँ लक्ष्मी गणेश पूजन के ऊपर उपस्थित हुए। आप सभी का मैं अक्षय श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने ठंडक के मौसम में यानी ठंडक स्टार्टिंग के समय में है आप लोग आए। मैं आप लोग का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोग को पता होगा कि जैसा टाइमिंग स्टार्ट होता है नवरात्रि का, नवरात्रि एक पावन पर्व है हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, तो इस पावन पर्व के स्टार्टिंग और उसके बाद दशहरा और फिर प्रकाश पर्व दीपावली, इसके बाद यहाँ हमारे मार्केट में बरदौलिया बाजार में हमारे प्रिय मित्र ध्रुव मिश्रा जी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। मैं कमेटी के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ना कहके, क्योंकि मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम में बाधा ना बनकर मैं आप सभी के मनोरंजन के लिए भी सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हमारे जितने भी कलाकार मंचासीन हैं, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, सफलतापूर्वक निर्वहन किया। और इस बरदौलिया वासियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकाल कर इस मौसम में यहाँ बैठे हैं। आप लोग को पता होगा कि हमारा जो सनातन धर्म है हिंदू धर्म में है पूजा पाठ बहुत ही अहम है। देखिए परमात्मा है, अगर परमात्मा नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है। जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब है परमात्मा। बहुत लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, इन चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात और कि हमारे यहाँ टीम के या जो सदस्य हैं इस कमेटी के, इनके अंदर युवाओं का जज्बा है, इसी के इन्हीं के लिए मैं दो लाइन इनके प्रपेक्ष में कहना चाहता हूँ कि यदि हौसले बुलंद होंगे तो दुनिया कदमों में होगी, यदि हौसले बुलंद होंगे तो दुनिया में कदमों में होगी। मैं अपने सहपाठियों से, हमारे ध्रुव जी हमारे सहपाठी रह चुके हैं, मैं इनको भी कहता हूँ कि अपने हौसले को बुलंद रखिए, आप कामयाबी पे जरूर जाएंगे। इसीलिए एक कहावत है कि जो युवा टीम होती है, युवा देश का भाग विधाता होता है, निर्माणकारी होता है, देश का नौजवान ही देश के भविष्य को बदल सकता है। कहते हैं ना कि युवा जो होता है, युवा को हमेशा सदैव वायु की बेटी जैसा मिले, क्योंकि युवा का अगर हम उल्टा कर देंगे तो वायु हो जाएगा। तो हमें वायु के वेग के साथ आप जो हमारे माता बहन बूढ़ बुजुर्ग जो बैठे हैं, इन युवाओं का साथ दें और इस कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न किया जाए। मैं इसके लिए भी आप सभी से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही में लक्ष्मी पूजा गणेश पूजा हो रही है, इसमें हमारे मित्रों का सहयोग है कि ये कार्यक्रम हर वर्ष अच्छे से किया जा सके और बढ़िया से प्रोग्राम हो जिसमें आपका भी मनोरंजन हो। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 2022 विधानसभा चुनाव में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग ये करेंगे कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हर जगह हो। ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव, आप लोग जानते हैं जात पात का करने वाले बहुत हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं या निकल जाता है उनसे, वो बात की बात है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, एक जिले के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते आपको यह आश्वासन देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी कार्यक्रम में अगर बाधा हो तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, हमसे जो हो सकता है उतना हम करेंगे। आपको बता दें इससे पहले मैं पूर्व प्रदेश महामंत्री भी रह चुका हूँ और मैं कहीं दूर आपके हरिया बाजार का ही हूँ। बहुत से हमारे यहाँ साथी बैठे हैं जो हमें भलीभांति जानते हैं। आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। अपनी बात मैं बजरंग बली के सुख से खत्म करना चाहता हूँ। लाल दे लाली लसे
और उधर लाल लंगोट वज्र देह दानव दलन जय जय कपिसूर सिया बलराम चंद की जय। सिया बलराम चंद की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सिया बल रामचंद्र की जय। सिया बल रामचंद्र एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों माताओं, मैं आपका एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। जय जय धन्यवाद। जो जो हमारे सहपाठी हैं जिला वो उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के और इस कमेटी के प्रचार मंत्री भज लगाकर स्वागत करते हैं, ताली बजा कर हम लोग स्वागत कीजिए। बहुत ही जिम्मेदारी से ये प्रचार मंत्री इस कमेटी को निभा रहे हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग उनके लिए ताली जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। चलिए अब आप मुझे बताइए।